Good morning everyone, this is Shyama Smita and today we are going to learn a small poem called Leisure. Okay, so video ko end tak dekhiye taki aapko acche se samajh mein aa jaye aur agar mera video thoda bhi pasand aaye to like karna na bhule. To chaliye start karte hain. Leisure ka meaning kya hota hai? Leisure ka meaning yani khali baithna ya fir khali time. Leisure yani khali time. Okay, to yahan pe jo poet hai William H. Davis yahan pe kya batane ja rahe hain. लीजर मतलब खाली टाइम में, मतलब हमारे पास जैसे टाइम नहीं है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है ये देखने के लिए, हमारी बिजी लाइफ में इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है नेचर के बारे में, या फिर कुछ हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हमारे आसपास की चीज़ों को हम ऑब्जर्व कर पाएँ, है ना. तो चलिए देखते हैं इस पोएम में क्या है. पहले मैं पोएम को पढ़ लेती हूँ फिर इसका एक्सप्लेनेशन बताऊँगी. ओके, What is this life is full of care. We have no time to stand and stare. No time to stand beneath the boughs and stare as long as sheep and or cows. No time to see when woodcutters we pass, where squirrels hide their nuts in grass. No time to see in broad daylight streams fall full of stars like skies at night. No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to wait till her mouth can enrich the smile. Her eyes began. A poor life this is, if full of care, we have no time to stand and stare. Okay, तो पॉइंट जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम आसपास के नज़ारों को देख पाएँ, एक बार खड़े होके देख पाएँ, ऑब्जर्व कर पाएँ. हमारे बिजी लाइफ में हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, मतलब लीजर खाली टाइम है ना. तो चलिए, वट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, ये जिंदगी ही क्या जो पूरे वरीज पूरे केयर में ही बीत जाए, मतलब फुल ऑफ केयर्स मतलब चिंता, बस चिंता कर करके ही दुनिया ख़त्म हो जाए. वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि थोड़ा खड़े होके देख सकें. स्टेयर मतलब देखना, कुछ भी देख सकें. नो टाइम टू स्टैंड बिनीथ द बाउस एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज सीप और काउस, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है बाउस, बाउस यानी कि ब्रांचेस. ओके, ब्रांचेस के नीचे हम खड़े हो पाएँ. बिनीथ द ब्रांचेस मतलब बाउच मतलब ब्रांचेस के नीचे, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम कोई ब्रांच के नीचे खड़े हों. और एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज सीप और काउ, जैसे सीप और काउ होते हैं गाय या फिर दूसरे भी एनिमल्स जो शांति से थोड़ा बैठ के या फिर ब्रांचेस के नीचे बैठ के इधर उधर देखते हैं शांति से, एक ही जगह को वो लोग ऑब्जर्व करते हैं. हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम ब्रांच के नीचे खड़े होकर थोड़ा हमारे आसपास के नेचर को हम देख पाएँ. नो टाइम टू सी when would we pass where squirrels hide their nuts in grass, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है. would we pass मतलब हम, would मतलब जंगल, जंगल में हम जब पास कर रहे हों, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि स्क्वेरल जो स्क्वेरल है गिलहरी वो अपना नट्स कहाँ छुपाती है ग्रास में, ये भी हमारे पास देखने के लिए टाइम नहीं है. इसमें एक डीप भी बात कही गई है जो कि हम, हमारी लाइफ इतनी बिजी है कि हम जो रास्ते में भी जाते हैं तो हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि रास्ते हमारे आसपास के जगह में क्या घट रहा है क्या हो रहा है इसको भी हम थोड़ा देखने का हमारे पास टाइम नहीं है. नो टाइम टू सी इन बोर्ड डे लाइट स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काइज एट नाइट, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है जो बोर्ड डे लाइट जो सुबह का दिन है, जो सुबह झरने स्ट्रीम्स, स्ट्रीम्स यानी कि झरना, झरना झरना में जो सूरज की किरणें पड़ती है वो तारे जैसे चमकती है. पानी जो झरना का पानी होता है वो तारों की जैसे चमकती है, जैसे रात में तारे चमकते हैं है ना, आसमान में जैसे तारे चमकते हैं रात को, वैसे झरने में भी जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तब वो तारा जैसे चमकता है. हमारे पास उतना भी टाइम नहीं है उसको ऑब्जर्व करने का. नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच योर फिट हाउ दे कैन डांस, यहाँ पे ब्यूटीज ग्लैंस मतलब ब्यूटी एक छोटी बच्ची को डिनोट किया गया है. हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है, एक छोटी बच्ची जब डांस करती है ग्लैंस मतलब देखना, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है जब छोटी बच्ची डांस करती है उसके पैरों को उसको ऑब्जर्व करना, वो कैसी डांस कर रही है उसको ऑब्जर्व करना उसको देखना, हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है. नो टाइम टू वेट हर टिल हर माउथ कैन एनरिच द स्माइल हर आइज बिगन, हमारे पास इतना भी मतलब टाइम नहीं है कि जब वो छोटी बच्ची नाचती है जब वो हंसती है उसके आंखों से लेकर उसके लिप्स तक उसके स्माइल कैसे निकलते हैं वो भी हमारे पास देखने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है.
ए पुअर लाइफ इज दिस इज ए फुल ऑफ केयर्स वी हैव नो टाइम टू स्टेयर स्टैंड एंड स्टेयर. क्या ये बेकार सी जिंदगी है जो हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं है, हमारे पास बस चिंता ही चिंता है, हमारे पास कोई भी टाइम नहीं है कि हम थोड़ा खड़े होके हमारे आसपास के नज़ारों को देख सकें, है ना. तो इस पोएम ने पोएट ने ये बताया है कि हमारे बिजी लाइफ में हमारे पास थोड़ा भी टाइम नहीं है कि हमारे आसपास जो हो रहा है या फिर हमारे नेचर को, यहाँ पे पोएट नेचर के बारे में वर्णन किए हैं, है ना, हमारे पास ये भी टाइम नहीं है कि हम थोड़ा खड़े होके देख सकें. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे आसपास जो हो रहा है उसको भी हम देखें, जो हमारे आसपास के नज़ारे हैं वो हम देखें, है ना. तो आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी. शेयर दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो टू नो दैट यू अंडरस्टैंड इट क्लियरली. ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.